बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को हटाए जाने वाले फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में मस्जिद हटाने का फैसला दिया था। चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी भी तरह से दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क देते हुए अब दखल से इनकार किया गया, उसमें क्या बात कही गई है? देखिए, ये जो मस्जिद है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में ही बनी हुई है। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इस मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये गैरकानूनी तरीके से इसका निर्माण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील दी गई सरकार की तरफ से, और कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि जो मस्जिद है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में बनी हुई है और जगह की कमी के कारण उसे वहां से हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपने काम में जगह की कमी पड़ रही है। इसी दलील को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया है। साफ साफ कहा है कि 3 महीने के अंदर ये मस्जिद वहां से निर्माण कार्य हटाया जाए और सरकार के पास ये अपना प्रतिवेदन दे सकते हैं। बिल्कुल, और 3 महीने में यहां से मस्जिद हटाने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिलहाल शुक्रिया। शुरुआत के बाद तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। अब तक 6 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। कई शहरों में कई कई फीट तक पानी भरा, कई गाड़ियां भी यहां पर डूब गई। कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर, कई फीट तक जमी बर्फ, बर्फीले तूफान की गुफा में खेलता हुआ दिखा कुत्ता। यूक्रेन के बखमुत में रूस की वैगनर ग्रुप ने बड़े इलाके पर कब्जा किया। रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत का सबसे ताजा वीडियो जारी कर दावा किया। यूक्रेन के बखमुत में भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। दावा यह किया गया कि बखमुत में रूस अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन की सेना के लिए वहां फंसे लोगों को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास को विस्तार देने के लिए उत्तर कोरिया भड़का। किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। जेलेंस्की ने रूस का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। नाम बदलकर मुस्कावी रखने का यहां पर प्रस्ताव दिया गया, जो 16वीं और 19वीं शताब्दी के नक्शों में देखा जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी मीडिया ने युद्ध से हुए नुकसान पर बड़ा दावा किया। यूक्रेन को 50 लाख करोड़ के नुकसान का दावा किया गया। और क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। 7 जून को ऑस्ट्रेलिया से होगा फाइनल मुकाबला। क्राइस्टचर्च में टेस्ट में श्रीलंका पर न्यूजीलैंड की जीत से भारत को सीधा फायदा। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर राजघाट पर मौन व्रत पर बैठे बीजेपी के नेता। संसद में बजट सत्र का दूसरा